नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। लखनऊ के अकबर नगर में 3 दिनों से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरज रहा है। करीब 12 बुलडोजर से अभी तक 350 से ज्यादा अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अब तक 350 से ज्यादा अवैध मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हो चुके हैं। बारह से ज्यादा जेसीबी और पोकलन मशीनें अतिक्रमण पर एक्शन में जुटे हैं। अकबर नगर इलाके में एलडीए के ध्वस्तीकरण कार्रवाई काफी हद तक पूरी होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर से आप देखें तो अकबर नगर 2 का जो पूरा हिस्सा है वो लगभग जमीन दोज हो चुका है। हालांकि एलडी की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन से कुकरेल बांध का रास्ता बंद कर दिया गया है। कोई गड़बड़ी न हो, सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसके लिए आरएएफ, पीएसी और पुलिस के जवान मुस्तैद किए गए हैं। साथ ही ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा प्रशासन ने लोगों के विस्थापन की भी पूरी व्यवस्था की है। एलडीए के वीसी के मुताबिक अकबर नगर के 500 लोगों को बसंत कुंज योजना में पीएम आवास दिया गया है। अकबर नगर 2 को सबसे पहले हम लोगों ने टेकअप किया था और 395 आवास थे और सभी को आवासित कर दिया। करीब 500 लोगों को यहाँ से आवास दिया था हम लोगों ने। सभी शिफ्ट हो चुके हैं और सभी को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। सोमवार से अकबर नगर में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हर दिन बुलडोजर गरज रहे हैं और अवैध मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई अपने चरम पर है। दरअसल कुकरेल नदी पर कब्जा करके अवैध रूप से बसाए गए अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में करीब 1200 अवैध मकान है, जिन्हें तोड़ने के लिए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। दरअसल 2012 से 17 के बीच कुकरेल नदी और बंधे के बीच बहुमंजिला इमारतें और बड़े बड़े शोरूम खड़े कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध कॉलोनियां बसा दी, जबकि इस क्षेत्र में रिहायशी और कमर्शियल किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता था। ऐसे में नदी को जिंदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने भी अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना। अब कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। योगी सरकार ने दिसंबर 2023 में कुकरेल नदी और बांध के बीच में बसाए गए अकबर नगर में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने खूब विरोध भी किया। इसके बाद भी योगी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और कार्रवाई जारी रही। आखिरकार अब अकबर नगर अतिक्रमण से मुक्त हो रहा है और सरकार भूमाफिया से ठगे लोगों को आवास देकर उसे विस्थापित भी कर रही है। फिलहाल पोकलैंड और तमाम बुलडोजर यहां खड़े होकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि तमाम लोगों पर कार्रवाई 5 से 6 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी। दूसरी तरफ एलडीए ने यहाँ के विस्थापितों के लिए मकान की व्यवस्था भी करा दी है और शर्तों में काफी ढील दी गई है। एक तरफ आम लोगों के लिए मकान जहां पर काफी महंगा है, वहीं पर यहां के विस्थापितों के लिए मूल्य में काफी रियायत और साथ ही किस्तों में भी काफी रियायत बढ़ती गई है। सोशल मीडिया के जमाने में कई लोग सेल्फी खींचने और रील बनाने के शौकीन हैं। कई बार रील बनाने की कोशिश जानलेवा भी हो जाती है। बिजनौर में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक हाथी ने युवक को पटक दिया, जिससे उसकी जान चली गई। बिजनौर से ये बेहद ही चौंकाने और सावधान करने वाली खबर आई है। सोशल मीडिया का दौर है, जिससे लोग इंटरनेट पर अपनी रील वीडियो को वायरल कर देते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो जंगली जानवरों के साथ भी सेल्फी खिंचाने और रील बनाने का शौक रखते हैं, ये जानते हुए भी कि वो जानलेवा साबित हो सकता है। बिजनौर में एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें युवक हाथी का वीडियो बनाने की कोशिश करता है,
लेकिन हाथी को उसकी हरकत पसंद नहीं आई। हाथी ने गुस्से में आकर उसे अपनी सूंड में दबा लिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। हाथी के हमले में वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत देखते हुए उसे मुरादाबाद रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। वन विभाग के मुताबिक पिछले दो दिनों से एक हाथी जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस आया है। उसके रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम दिन रात लगी हुई है, लेकिन हाथी पकड़ में नहीं आया। मृतक युवक मुरसलीन हबीब वाला गांव का रहने वाला था। गांव में हाथी के दाखिल होने की खबर फैली। हाथी वहीं एक आम के बाग के पास दिखाई दिया। उसे देखने के लिए आसपास के लोग जमा हो गए। मुरसलीन भी अपने 3-4 साथियों के साथ हाथी के नजदीक पहुँच गया। तभी उसने हाथी के साथ रील बनाने की ठान ली। मुरसलीन फोन से हाथी का वीडियो बनाने लगा। तभी हाथी भड़क गया और उसने मुरसलीन पर हमला कर दिया। मुआवजा चाहते हैं और क्या मुआवजा मिल जाए बच्चों को। कितना मुआवजा? इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मुरसलीन के गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। घर वाले सदमे में हैं, लेकिन ये घटना रील के शौकीन लोगों के लिए एक सबक है। जानवरों के साथ रील या वीडियो बनाना जिंदगी को भी दाव पर लगा सकता है। बिजनौर से न्यूज 18 के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट। सरहद पार से आए आतंकी अगले कुछ दिनों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकवादी के निशाने पर सुरक्षा बलों से जुड़ी इमारतें भी हो सकती हैं। आतंकी जम्मू डिवीजन में हमले को अंजाम देने के फिराक में हैं। वहीं पर पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से सेना की 4 बार मुठभेड़ हुई है। कठुआ में सेना ने एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है और उधर नौशेरा और रियासी के जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। कठुआ, डोडा, नौशेरा, आतंक का अगला टारगेट कहां? जम्मू कश्मीर में टेरर अलर्ट है, सुरक्षा बल एक्शन में है, एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही हैं, सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन में जुटे हैं, क्योंकि दहशतगर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई झुंड बनाकर बाहर निकली है। सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकियों के गिरोह जम्मू कश्मीर के जंगलों में घात लगाए बैठे हैं। अब तक 4 इलाके में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानिए। 12 जून की दोपहर जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा में संदिग्धों को देखे जाने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पर है। नौशेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 11 जून को आतंकियों ने भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। आतंकी हमले में 5 जवान और 1 स्पेशल पुलिस ऑफिसर घायल हो गया। 11 जून दहशत गर्दों ने जम्मू के हीरानगर के सैदा सुखल गांव में ग्रामीणों पर पानी नहीं देने पर फायरिंग कर दी थी। आतंकियों की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी और एसएसपी पर आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था।
9 जून को जम्मू के कंदा इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें ड्राइवर को गोली लगने के बाद बस खाई में जा गिरी। 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 घायल हुए। मतलब ये कि सरहद पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए हैं। पाकिस्तान की पालतू पलटन भारत में कत्लेआम मचाने के लिए भेजी गई है, मगर आतंकी आकाओं के फरमान पर खून खराबे का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जम्मू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। अब तक मारे गए दहशत गर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ता दिख रहा है। सिकरकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी सीआरपीएफ पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहां पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है, आतंकवादी को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। कुछ पाकिस्तान मेड भी है, कुछ चीजें हैं जो कि ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि जिस इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना है। तस्वीरें जम्मू के कठुआ में एनकाउंटर में ढेर हुए दहशत गर्दों की है। आतंकी के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। आतंकियों के पास दवाइयां, पेन किलर, ड्राई फ्रूट्स, चने, चॉकलेट बार, हैंडसेट, एंटीना, 1,00,000 कैश, M4 कारबाइन, AK-47 बरामद हुई। आतंकियों के पास से जो सामान बरामद हुआ उससे साफ है कि ये दहशतगर्द लंबे वक्त तक हमले की प्लानिंग लेकर भारत में घुसे थे, क्योंकि दहशतगर्दों के पास खाने पीने के सामान के साथ 1,00,000 कैश भी बरामद हुआ है। जाहिर है आतंकियों के निशाने पर सभी हैं, क्योंकि आतंकियों के सामने जो आ रहा है उस पर वो बारूद बरसा रहे हैं। इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट कर आतंकियों के अंत का ऑपरेशन जारी है, साथ ही हर एक की सख्त जांच भी की जा रही है। और इतना ही नहीं, बीते 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए, लेकिन आतंकवादियों के मंसूबे इन्हीं हमलों तक साबित नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 50 आतंकवादियों का एक ग्रुप तैयार किया है जो कि बीते 2 महीने में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ कर चुका है और ये आतंकवादी स्पाइनर अटैक के लिए तैयार किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश की फिराक में आतंकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फाल्कन प्लान। ISI का फाल्कन प्लान सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ISI का फाल्कन प्लान जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने फाल्कन प्लान के तहत आतंकियों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया है जो तबाही मचाने के लिए तैयार है। ISI ने 50 आतंकियों का ग्रुप तैयार किया है। इन 50 आतंकियों में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। खबर ये भी है कि ये 50 आतंकी बीते 2 महीने में जम्मू सेक्टर में घुसपैठ भी कर चुके हैं। ISI ने इन आतंकियों को खास तौर पर स्नाइपर अटैक के लिए तैयार किया है। यानी जम्मू में पिछले 4 दिनों में आतंकियों ने जो दहशत फैलाई है, कहीं ये ISI के फाल्कन ग्रुप के आतंकी तो नहीं, क्योंकि